प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डिटेल प्रोसेस को डील कर चुके हैं। मैंने आपको मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दोनों की डिटेल प्रोसेस बताई थी किस प्रकार से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है और किस प्रकार से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर क्लास में कम्प्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो लेक्चर क्लास जो है इसमें नीट और जीएनटी के कुछ क्वेश्चंस जो मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड है उनके साथ हम डील करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। अब मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं उनको मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊँगा। उसके बेसिस पर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक से नीट और जीएनटी में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फंक्शनल मेगास्पोर इन ए फ्लावरिंग प्लांट डेवलप इनटू, एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो फ्लावरिंग प्लांट में किसे डेवलप करता है। तो हमें पता है मेगास्पोर का फॉर्मेशन किससे होता है, मेगास्पोर मदर सेल से होता है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होता है और मियोसिस सेल डिवीजन होने से तो उसे कितने बन जाते हैं, चार बन जाते हैं। ठीक है, चार में से तीन क्या हो जाते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं। एक जो रहता है चालजल एंड का वो क्या होता है, बचा हुआ होता है। ठीक है, और इस चालजल एंड का जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है ये लास्ट में किसे बनाता है, ये बनाता है किसको, एम्ब्रियो सेक को, जिसमें बीच में क्या होता है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई होता है। ऊपर की ओर क्या होती है, तीन एंटीपोडल सेल्स होती हैं। नीचे की ओर क्या होता है, एक एग सेल होती है और दो सिनर्जिड सेल्स होती हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो नोन एज, फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं उन्हें हम और किस नाम से जानते हैं। तो हम मैंने आपको बताया था कि फीमेल गैमेटोफाइट्स जो होते हैं उनको हम किस नाम से भी जानते हैं, उनको हम एम्ब्रियो सेक इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियो सेक जो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो सेक के अंदर यहाँ पर क्या होती है, एक सेल होती है, दो क्या होते हैं आपकी सिनर्जिड सेल होती है, बीच में क्या होता है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई होता है और ऊपर की ओर क्या होती है, तीन एंटीपोडल सेल होती है। तो ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सेक ही क्या कहलाता है, आपका फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। और ये एम्ब्रियो सेक किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो एम्ब्रियो सेक मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था आपको मेगास्पोरोजेनेसिस की, एम्ब्रियो सेक जो होता है ये एम्ब्रियो सेक किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी आपको बताया था, कुछ इस टाइप से होता है ओव्यूल का स्ट्रक्चर, इंट्यूगमेंट होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड होता है और यहाँ बीच में क्या होता है आपका, जो होता है एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होता है, जिसमें बीच में क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक होता है। ऊपर की ओर तीन कौन सी सेल होती है आपकी, एंटीपोडल, यहाँ माइक्रोपाइल एंड की ओर एक एक सेल होती है और दो सिनर्जिड सेल होती है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो सेक जो होता है इस एम्ब्रियो सेक को ही हम क्या कहते हैं, इस एम्ब्रियो सेक को ही हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, थर्ड। चलिए अगला देखते हैं, थर्ड देखिए क्या बोल रहा है, ओव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा बाय, ओव्यूल जो होता है वो किस स्ट्रक्चर के द्वारा प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर बताया है, जो पिछली क्लास जो थी उसका वीडियो लेक्चर आप देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस का, तो वहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको ओव्यूल का बहुत अच्छे से समझाया है। और एक ओव्यूल जो होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ये एक इंट्यूगमेंट, ठीक है, इधर भी ये इंट्यूगमेंट, ये एम्ब्रियो सेक, ठीक है, और ये होता है फ्यूनिकल। इसको क्या बोलते हैं हम, इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्या, फ्यूनिकल। ठीक है, और ये फ्यूनिकल के द्वारा ही जो है एक ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आएगा आपका थर्ड, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, फ्यूनिकल। ठीक है, ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के द्वारा एक ओव्यूल जो होता है वो जो होता है और के जो प्लेसेंटा होता है उससे अटैच्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। जनरली हाउ मेनी मेगा स्पोर टेक पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। बोल रहा है कि सामान्यतः एक फीमेल गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है उसके डेवलपमेंट में कितने मेगा स्पोर पार्टिसिपेट करते हैं, कितने मेगा स्पोर भाग लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 4 मेगा स्पोर बनेंगे। कितने का फॉर्मेशन होगा? 4 का फॉर्मेशन होगा। लाइनर फॉर्म में अरेंज होंगे जिसमें से माइक्रोपाइल एंड के 3 मेगा स्पोर क्या हो जाते हैं, ये तीनों क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। केवल चालजा एंड का 1 मेगा स्पोर क्या होता है, जो होता है फंक्शनल होता है, और उसी में फिर क्या होता है, फर्दर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के कारण किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। जनरली हाउ मेनी मेगा स्पोर टेक पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में कितने मेगा स्पोर भाग लेते हैं, जनरली 1 मेगा स्पोर जो होता है वह भाग लेता है, ठीक है। बनते 4 हैं, 4 में से 3 क्या कर जाते हैं, 3 जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, जो कि माइक्रोपाइल एंड की ओर होते हैं। चालजा एंड का केवल 1 मेगा स्पोर क्या होता है, फंक्शनल होता है, और वो फर्दर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो सेक का, माने कि फीमेल गैमेटोफाइट का। यहाँ तक के समझ में आ गया सब लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सिनर्जिड्स आर, सिनर्जिड्स कैसे होते हैं, तो सिनर्जिड्स कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले तो हमको ये याद होना चाहिए। सिनर्जिड्स जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियो सेक के अंदर। ये एम्ब्रियो सेक है, यहाँ पर एक सेल रहती है और 2 सिनर्जिड सेल्स रहती हैं, बीच में एक द्वितीयक केंद्रक होता है, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियर। ऊपर की ओर 3 एंटीपोडल सेल रहती है, है ना। माइक्रोपाइल की ओर क्या रहती है, आपके सिनर्जिड सेल रहती है। तो बोल रहा है सिनर्जिड सेल्स कैसी होती है, क्योंकि सिनर्जिड सेल्स क्या बोल रहा है, टेट्राप्लॉइड होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड होती है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमको पता है एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कैसे होता है, 1 मेगास्पोर मदर सेल होती है, उस मेगास्पोर मदर सेल जो कि 2N होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इससे फिर किसका फॉर्मेशन होता है, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। 4 कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे, 4 में से 3 डिजनरेट कर गए, खत्म हो गए, बच्चा 1 जो कि फंक्शनल रहेगा, और जो कैसा होता है, एन होता है, 2N मेगास्पोर मदर सेल, उसमें अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, तो बनने वाले 4 जो मेगास्पोर रहेंगे वो हैप्लॉइड होंगे, उनमें से 3 नष्ट हो गए माइक्रोपाइल एंड की, और चालजा एंड का बचा हुआ 1 मेगास्पोर जो कि हैप्लॉइड होता है, उससे पूरा का पूरा क्या बनता है, एम्ब्रियो सेक बनता है। और चूंकि हैप्लॉइड मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए आपके सिनर्जिड्स कैसे होते हैं, सिनर्जिड्स भी हैप्लॉइड होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन एंजियोस्पर्म्स, है ना, आर्थिवीजी जितने पादप होते हैं उनमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, है ना। एंजियोस्पर्म्स प्लांट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में दोनों में कौन सी चीज समान होती है, है ना, दोनों में क्या कॉमन है। ऑक्यूर इन एंथर, दोनों में एंथर पाए जाते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल नहीं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए तो एंथर ठीक सही है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस एंथर, लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस में नहीं होगी ना, वहाँ तो ओव्यूल का काम होगा, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। फिर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट विथआउट फर्दर डिवीजन, गैमेट का फॉर्मेशन बोल रहा है कि बिना डिवीजन के होता है, ये भी पॉइंट गलत है, ठीक है। इन्वॉल्व मियोसिस, ये वाला पॉइंट सही है, हमें पता है कि मियोसिस की प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी इन्वॉल्व होती है और मेगास्पोरोजेनेसिस में भी इन्वॉल्व होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, और मेगास्पोरोजेनेसिस में
मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो पॉइंट सी इसका क्या होगा, सही होगा इन्वॉल्व मियोसिस, दोनों प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस दोनों प्रोसेस में मियोसिस सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है। पॉइंट डी को भी डील कर लेते हैं, क्या बोल रहा है पॉइंट डी, बोल रहा है ऑक्योर इन ओव्यूल, बोल रहा है दोनों प्रोसेस जो होती है वो जो होती है ओव्यूल में उपस्थित होती है। बिल्कुल गलत है, ओव्यूल में कौन सी आपकी मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस तो इन्वॉल्व होगी पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की नहीं होगी। तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका सही आंसर रहेगा क्या, सी इन्वॉल्व मियोसिस, है ना। चल तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। इफ द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल ड्रॉ नरिशमेंट बाय कंटेनिंग द टैपिटल सेल, द टाइप ऑफ अ टैपिटल सेल इज कॉल्ड, बोल रहा है कि एक माइक्रोस्पोर जो कि विकसित हो रहा होता है, एक माइक्रोस्पोर जो कि डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना कराने का काम, उसको पोषण प्रदान करने का काम कौन का होता है, टेपिटल सेल का होता है। टेपिटल लेयर मैंने आपको बताया था, टेपिटम लेयर उसका होता है, टेपिटम स्तर की कोशिकाओं का होता है। तो वो टेपिटम जो होता है किस टाइप का, सिक्रेटरी टेपिटल, है ना। प्लाज्मोडियल टेपिटल रॉन्ग है, एमोवॉइड टेपिटल भी रॉन्ग है। इसका सही आंसर आता है सिक्रेटरी टेपिटल, है ना। सिक्रेटरी टेपिटम जो लेयर होती है वो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। विकसित होने वाले जो माइक्रोस्पोर होते हैं उन्हें क्या प्रदान करती है, उन्हें पोषण प्रदान करने का कार्य जिस टेपिट लेयर का होता है उसे हम कहते हैं सिक्रेटरी टेपिटम लेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एंडोथीसियम लेयर ऑफ एंथर लोब इज प्रेजेंट, बोल रहा है कि एंडोथीसियम लेयर, मैंने आपको बताया था एंथर के बारे में, एंथर के हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखा है पिछले वीडियो लेक्चर में। तो बोल रहा है कि एक एंथर में एंडोथीसियम लेयर जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, आउटसाइड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाहर की ओर, जी नहीं ये गलत हो गया, जस्ट इनसाइड द एपिडर्मिस, ये वाला पॉइंट आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, जस्ट इनसाइड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ठीक बाद में एंडोथीसियल लेयर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इन द इनर मोस्ट लेयर, जी नहीं इनर मोस्ट लेयर नहीं होती है एंडोथीसियम। इन द मीडियल रीजन, जी बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। एक एंथर की जो वॉल होती है उस एंथर वॉल में सबसे बाहर की ओर क्या प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में क्या होती है आपकी, एपिडर्मिस के बाद में आपकी होती है एंडोथीसियम लेयर, ठीक है। एंडोथीसियम के बाद में आपकी क्या होती है, मिडिल लेयर होती है आपकी, ठीक है। और सबके अंदर में कौन सी होती है, टैपिटल लेयर होती है। तो इसका ही सिक्वेंस है, फर्स्ट में क्या रहेगा आपका, फर्स्ट में आपकी रहेगी एपिडर्मिस रहेगी, ठीक है, एपिडर्मिस रहेगी। सेकेंड में आपकी कौन सी रहेगी, सेकेंड में आपकी एंडोथीसियम लेयर रहेगी, ठीक है। और उसके बाद में आपकी थर्ड में क्या रहेगी, मिडिल लेयर रहेगी, ठीक है। और मिडिल लेयर के बाद में आपकी फोर्थ में क्या आ जाती है, फोर्थ में आपका आता है टैपिटम, ठीक है। तो ये इस टाइप से इनकी क्या होती है, सिक्वेंसिंग होती है। तो इसका जो सही आंसर निकल करके सामने आएगा, इसका सही आंसर आपका क्या रहेगा, इसका सही आंसर आपका रहेगा जस्ट इनसाइड द एपिडर्मिस, एंडोथीसियल लेयर जो रहेगी एंथर सेल वॉल में वो एपिडर्मिस के ठीक बाद में उपस्थित होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके किस टाइप से सॉल्व करना है मैंने आपको बताया, और ठीक इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं, ठीक इसी प्रकार के प्रश्न जेएनटी और नीट में पूछे जाते हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस से किस प्रकार के प्रश्न नीट और जेएनटी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, फ्लावर का स्ट्रक्चर, ये जो
टॉपिक्स है ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगा स्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड हमने जो है एमसीक्यूज भी देख लिए आज, जो नीट और जीएनटी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स, इसी के आगे के जो है एक सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा, और फिर उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। ये एक बेसिक आइडिया था आप लोगों को कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो नीट और जीएनटी में पूछे जाते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस से। एक छोटा सा बेसिक आइडिया था ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है नीट और जीएनटी में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल होगी एमसीक्यूज की, अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिए। और बेटा, आपसे अगर कोई प्रश्न नहीं बनता है इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जब चेक करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैनल की टेलीग्राम लिंक भी मिलेगी। तो आप टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके बायो स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से होगा ये कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं बन रहे हैं, तो आप टेलीग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए बायो स्टडी के, वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं। वहाँ पर आपको जो है एमसीक्यूज जो हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं डालते रहता हूँ, तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आपने वीडियो लेक्चर को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद।